अस्सलाम वालेकुम जी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डीएपी खाद अगर हम काश के वक्त इस्तेमाल नहीं करते पहले पानी पर इस्तेमाल करते हैं तो इससे हमारी पैदावार कितनी कम या ज़्यादा होगी इस वीडियो में जो भी बात करूँगा वो अपने मैं पिछले दो साल के एक्सपीरियंस की बुनियाद पर करूंगा। इस हवाले से जो मैंने पिछले साल तजर्बात किए हैं जो मेरे पुराने देखने वाले हैं उन तमाम किसान भाइयों को तो पता है लेकिन हमारे पेज और चैनल पर नए आने वाले किसान भाइयों के लिए ये वीडियो बड़ी ज़बरदस्त हो सकती है एंड तक देखिएगा वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब करें फेसबुक और टिकटॉक वाले भाई 83 परसेंट किसान भाइयों ने हमारे चैनल को और फेसबुक और टिकटॉक पे हमें फॉलो ही नहीं किया हुआ भाई फॉलो ज़रूर कर लें आते हैं अपने टॉपिक की तरफ और आज का हमारा टॉपिक है कि डीएपी खाद अगर हम काश के वक्त इस्तेमाल नहीं करते पहले पानी पर इस्तेमाल करते हैं मतलब कि थोड़ी सी लेट इस्तेमाल करते हैं तो हमारी पैदावार पे कितना असर पड़ सकता है वीडियो स्टार्ट में यहाँ से करूँगा कि कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन फ़र्क किस सूरत में पड़ता है जब हम लेट काश्त कर रहे होते हैं ख़ास तौर पर जो हम नवंबर के पहले हफ्ते के बाद की जो हमारी काश्त है उसमें फिर अगर हम फास्ट की खाद को भी लेट करेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा लेकिन ये जो इस वक्त काश्त हो रही है ख़ास तौर पर इन पाँच सात आठ दिनों के काश्त है जो कि अक्टूबर के, के आखिरी हफ़्ते की है या नवंबर के पहले हफ्ते की है अगर इस कास्ट के दौरान हम कास्ट के वक्त डीएपी इस्तेमाल नहीं करते और पहले पानी के ऊपर डीएपी इस्तेमाल करते हैं या डीएपी ए के जो दूसरे सोर्स है खास तौर पर जिसमें काबिल जिक्र है वो है नाइट्रोफास और इसके अलावा दूसरे नंबर पर जिसके बारे में सबसे ज़्यादा बात की जाती है वो है एंग्रो की डी तो मैंने पिछले साल जो तजर्बात किए हैं उसमें मैंने जानबूझ के डीएपी नहीं डाली थी लेकिन वो जो मेरी काश्त थी वो 20, 21, 22 और सताईस अक्टूबर तक की थी तो उसमें मैंने काश के वक्त कोई डी नहीं डाली पहले पानी के ऊपर मैंने दो बोरी नाइट्रोफास और आधी बोरी यूरिया ये मैंने डाली थी लेकिन पहला पानी फिर मैंने रवायती तरीके के मुताबिक नहीं लगाया था आमतौर पर आ, अगर हम नवंबर के पहले हफ्ते में लगाते हैं तो हम पहला पानी 18 या 20 दिन के बाद लगाते हैं लेकिन पिछले साल के जो मेरा तजर्बा है उसमें मैंने पहला पानी तकरीबन नौ से बारह दिन के दौरान लगाया था तो इस साल अगर कोई हमारे ऐसे किसान भाई हैं जो कि काश्त के वक़्त डी नहीं डाल सकते और वो ये सोच रहे हैं कि बाद में वो डी डाल लेंगे या नाइट्रोफास डाल लेंगे और उनकी पैदावार कामिया ज़्यादा नहीं होगी तो भाई पैदा पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन इसमें आपने करना यही है कि पहला पानी जो है वो थोड़ा सा आपने जल्दी लगा लेना है ट्रेडिशनल आपने वेट नहीं करना जो कि आमतौर पर रवायती होता है 18 से 22 दिन आप कोशिश करें इसमें 15 से 16 दिन के बाद पहला पानी लगाएं और ऐसे जितने भी हमारे कास्तकार भाई हैं जिनकी जमीन पक्के वट है मैरा अच्छे रकबे हैं और इसमें जितने भी हमारे ऐसे भाई हैं जिनके रकबे रेतले हैं रेतले रकबे में आपने नाइट्रोफास्ट खाद के इस्तेमाल से अवॉइड करना है वहाँ पे डीएपी का इस्तेमाल करें और कोशिश करें कोशिश करें कि आप काश के वक़्त डालें रेतले रकबे में लेकिन अगर आपका अच्छा रकबा है मैरा रकबा है तगड़ा रकबा है पक्का रकबा है तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं आप बगैर डीएपी के काश करें पहले पानी के ऊपर आप बेशक डीएपी डाल लें या बेशक आप नाइट्रोफास्ट डाल लें लेकिन आप उसकी डोज पूरी कर दें पहले पानी पर जितनी भी आपने नाइट्रोफास्ट <पाह Fer Geez> या फास्ट फोरसी खाद डालनी है अगर आपने नाइट्रोफास्ट की सूरत में फास्टफोरसी खाद देनी है तो कम अज़ कम आपने दो बैग नाइट्रोफास्ट और उसके साथ आधी बोरी यूरिया और अगर आपने डी की सूरत में फास्टफोर्सी खाद देनी है तो एक बैग डी का और एक बैग यूरिया का आपने पहले पानी पर दे देना है और पहला पानी आपने थोड़ा जल्दी लगा लेना है तो इन पैदावार के ऊपर कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा लेकिन अगर आप लेट काश्त कर का रहे हैं तो फिर हर सूरत में आप जो फास्ट खाद है वो आप काश के वक्त दें और अगर आप पच्चीस नवंबर से भी ज़्यादा लेट है खासतौर पर हमारे जो कमाद के काश करने वाले भाई हैं तो उस टाइम पर फिर आपको काश के वक्त यूरिया भी डालनी है बहरहाल उसके ऊपर एक अलग से डिटेल वीडियो बनाएंगे इस वीडियो के बारे में अपनी राय का आजार कॉमेंट में जरूर करें इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़